फ्रेंड्स नमस्कार। आज हम बनाएंगे इमली के मीठी चटनी। जो हमारी इमली कच्ची है, देखिए इसमें बीज वज नहीं पड़ा है, बिल्कुल छोटा इमली है हमारा। इसको हम चटनी बनाएंगे। तो हम चलते हैं अपने गैस की तरफ, गैस को जलाएंगे। इस पे हम अपना कढ़ाई चढ़ाएंगे। कढ़ाई में हमने एक कटोरी पानी रख लिया है। अब इसमें हम अपने कच्चे इमली डाल देंगे। हमारा इमली 500 ग्राम है। इस निशान को देख के आप ये मत सोचिएगा कि हमारा इमली ठीक नहीं है। इसे डंडा से मार के तोड़ा गया है तो निशान पड़ गया है। इसको हम उबाल लेंगे, इसको ढकेंगे हम। बस 2 मिनट में उबल जाएगा। बाकी के सामग्री हम आपको उबलने के बाद दिखाएंगे। अब चलिए 2 मिनट हो चुका है, हम इमली को चेक कर लेते हैं। देखिए हमारा इमली हुआ है कि नहीं, हम चेक करेंगे। हमारा इमली हो गया है बिल्कुल अच्छे से। इसे हम नीचे उतारेंगे गैस से। पहले गैस को बंद कर लेंगे। इसको हम ठंडा होने देंगे 2-4 मिनट। ऐसे चलाते हुए इसे हम ठंडा करेंगे। उसके बाद इसका ये है जो छिलका, इसे हम निकाल देंगे। मतलब इसका पल्प पूरा हम निकाल लेंगे ऐसे हाथों से, ऐसे ऐसे मिस के, और किसी छन्नी से छान लेंगे। हम इसे अच्छे से ठंडा होने देंगे पहले। देखिए हमारा सारा पल्प एकदम ठंडा हो गया है। हम इसको मैश भी कर लिए हैं। अब इसका छिलका हम छन्नी से छान के निकाल लेंगे। हम इसे छन्नी में डाल के छानेंगे ऐसे चला के, दबा दबा के हम छान लेंगे। देखिए हमने सारे इमली के पल्प, ये मंगरेल है और ये जीरा है, ये 5 फोरन है। मैं आपको वीडियो में दिखाने के लिए अलग अलग रखी थी। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे, 5 फोरन बना लेंगे। और ये हमारे लहसुन के 10-15 कली हैं, और ये लाल मिर्ची, और ये नारियल और किशमिश। अब हम चलते हैं वापस गैस की तरफ। हमारी कढ़ाई गर्म हो चुकी है। अब इसमें हम तेल डालेंगे। बस थोड़ा सा हमें तेल डालना है, ज़्यादा नहीं। अपना 5 फोरन डालेंगे। दो तेज पत्ता डालेंगे, लहसुन डालेंगे, मिर्ची डालेंगे, इसे अच्छे से हम लाल होने तक फ्राई करेंगे। देखिए हमारे सारे सामग्री अच्छे से लाल हो चुके हैं। अब इसमें हम आँच को कम कर देंगे। इसमें हम डालेंगे अपना ये इमली का पल्प। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, अभी ज़रूर बनाइए। पके इमली का चटनी आपने बहुत खाया होगा, लेकिन कच्चे इमली का मीठी चटनी आपने शायद ही खाया होगा कभी। ऐसे बना के देखिए,
सकता है आपने खाया भी होगा, लेकिन इस तरीके से आपने बनाया नहीं होगा। आप इस तरह से ज़रूर बनाइए। अब इसमें हम अपना मेन चीज़ डालेंगे, चीनी। देखिए कितना फ्रेश चीनी है, मोटे दाने वाली। ये 200 ग्राम की कटोरी है, हम चीनी को डाल देंगे। इससे हमारी चटनी बहुत टेस्टी बनेगी, खट्टी मीठी ये चटनी लगती है, खाने में बहुत टेस्टी लगती है। आप भी एक बार ज़रूर बनाइए। हम ऐसे ही 4 से 5 मिनट तक पकाएंगे इसे, तब तक हमारी चीनी भी घुल जाएगी। देखिए हमारी चटनी में कितने अच्छे बबल्स बनने लगे हैं, उबलने लगा है अच्छा से। कितना प्यारा लग रहा है, खुशबू भी बहुत प्यारा आ रहा है। हमारे घर में इसे सभी बहुत पसंद करते हैं, हमारे बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं। बच्चे कई दिनों से बोल रहे थे, मम्मी चटनी बनाओ चटनी बनाओ, तो हम सोचे चलो आज बना देते हैं, साथ में आप लोग के साथ भी शेयर कर देते हैं चटनी को। ऐसे हम और इसे पकाएंगे, थोड़ी सी हमारी चटनी गाढ़ी हो जाएगी। तब तक ऐसे चलाते हुए हमें बराबर चलाना है, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे हम कलर के लिए थोड़ा सा फूड कलर डालेंगे, आप चाहें तो हल्दी पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन फूड कलर से हमारी चटनी बहुत अच्छी दिखेगी। ऐसे हम इसे मिलाएंगे। आप इसे किसी चीज़ के साथ खा सकते हैं, पूड़ी पराठे समोसा या पकोड़े के साथ मीठी चटनी के रूप में। आप इसे एयर कंटेनर जा कई दिनों तक रख सकते हैं। ऐसे बाहर रख के आप कम से कम 1 हफ्ते खा सकते हैं, और फ्रिज में रख के आप महीनों इसे खा सकते हैं, ये ख़राब नहीं होता है। देखिए हमारी चटनी अच्छे से तैयार हो चुकी है, तार बनने लगा है। मैं अब हम अपने गैस को बंद कर लेंगे, और इसमें हम डालेंगे अपना ये नारियल और किशमिश, क्योंकि अभी हमारा चटनी गर्म है, इसमें एब्जॉर्ब कर लेगा। देखिए कितना चटपटी हमारा चटनी तैयार हो गया है, कच्चे इमली से मीठा चटनी। ये ठंडा होने के बाद और गाढ़ा हो जाएगा। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।